जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उनके लिए जो रेगुलर ट्रेन से यात्रा करते हैं। अगर रेगुलर यात्रा नहीं करते हैं फिर भी कहीं बाहर कमाने जाते हैं या फिर घूमने जाते हैं या फिर किसी काम से अक्सर रेलवे से यात्रा करना होता है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। आपने देखा होगा कि 2020 और 2021 में जब देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन की स्थिति हुई थी तो ट्रेन का सारा शेड्यूल अस्त व्यस्त हो गया था, बहुत सारे ट्रेनें बंद कर दी गई थी, बहुत सारे ट्रेन ऐसा है जो अब तक भी चालू नहीं हुआ, यहाँ तक कि रिजर्वेशन का जो शेड्यूल था, रेलवे रिजर्वेशन का जो शेड्यूल था वो भी अस्त व्यस्त हो गया था। जनरल टिकट, स्लीपर टिकट या फिर एसी क्लास का टिकट, सभी टिकट का अलग अलग नियम बना दिए गए थे। जनरल टिकट तो कटना ही बंद हो गया था जो हाल में अभी चालू किया गया है, और ट्रेनों में चालान का सिस्टम भी बंद हो गया था, जो फाइन कटाकर लोग जाते थे वो भी सिस्टम बंद हो गया था, वो भी दिसंबर 2021 से स्टार्ट कर दिया गया है। इसी तरह के बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे परेशानी है जिसका सरकार ने हल निकाल लिया है। अभी हाल ही में सरकार ने घोषणा कर दिया है, क्या किया उन्होंने, कहा है कि जिस तरह से पूरे देश में जनसाधारण बुकिंग सर्विस, जो आप जनरल टिकट लेते होंगे, आप देखते होंगे स्टेशन पर या आपके चौक चौराहे पर या फिर आप छोटे छोटे शहरों में, गांवों में, हर जगह आपको मिलेगा जहां पे जनरल टिकट आप आसानी से कटा सकते हैं, जिसमें 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा टिकट का चार्ज लगता है और आपको कहीं भी जनरल टिकट मिल जाता था, तो वो सुविधा बंद कर दिया गया था जो अब स्टार्ट कर दिया गया है। अब सरकार ने जनरल की तरह, जैसे जनरल टिकट आपको हर जगह मिल जाता है, कहीं भी 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पर मिल जाता था, जो काउंटर का ही टिकट होता था, जो लोग सेंटर लेकर बैठे हुए थे वो देते थे, इसी प्रकार से रिजर्वेशन का या फिर एसी कोच का, इस तरह का टिकट भी काटने के लिए गांव-गांव, हर शहर में, हर चौक चौराहे पे सरकार इसके लिए सेंटर की व्यवस्था करने जा रही है। जो लोग रेलवे रिजर्वेशन सेंटर खोलना चाहते हैं वो IRCTC के वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है उसके बारे में एक संक्षिप्त में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहेंगे कि कैसे अप्लाई करना है सेंटर लेने के लिए तो उसके लिए संक्षिप्त में अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर लिखें। पहले ये जान लें कि जो लोग सेंटर खोलेंगे उनको सुविधा क्या मिलेगा और वहां से टिकट लेंगे उनको सुविधा क्या मिलेगा। तो वो जो सेंटर जब खुल जाएगा, कोई भी लेगा, अगर सेंटर चलाने लगेंगे तो वहां से जो टिकट लेंगे उन्हें लगभग 80 से 100 रुपये का बचत होगा। जो ऑनलाइन आप टिकट निकालते हैं जिसमें GST लगता है प्लस एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, उसके अलावा अगर वेटिंग टिकट कन्फर्म नहीं हुआ तो 30 रुपये अलग से कटता है, लगभग 100 रुपये के आसपास आपका कट जाता है। लेकिन आप उस सेंटर से टिकट लेंगे तो आप जो टिकट काउंटर पर जितना में टिकट लेते हैं सेम प्राइस रहेगा, ना उस पे आपका एक्स्ट्रा GST कटेगा, ना आपका एक्स्ट्रा कोई अदर चार्ज कटेगा। यहां तक कि आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो उस टिकट पर आप वेटिंग में भी यात्रा कर सकते हैं। यह सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि आप वेटिंग में भी यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन आप टिकट निकालते हैं, चाहे मोबाइल से निकालते हैं, ऐप से निकालते हैं, साइट से निकालते हैं, उसका वेटिंग में कोई वैल्यू नहीं है, उस पर आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सेंटर से टिकट लेंगे उस टिकट पर आपका कंफर्म ना भी होता है तो उस वेटिंग पर भी आप यात्रा कर सकते हैं, यह सबसे बड़ा फैसिलिटी आपको मिलेगा। अब रही सेंटर लेने वालों के लिए, तो जो रेलवे का नियम और शर्तों को पालन करेगा उसको मान्य होगा वो अप्लाई कर सकता है, उसे सेंटर मिलेगा। मैंने आपको कहा कि इसके लिए एक संक्षिप्त में अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा प्रोसेस लंबा है, तो संक्षिप्त में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, कहां करना है, किस तरह से करना है, वो कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, आप देख सकते हैं अगर सेंटर लेना चाह रहे हैं तो। अब जो सेंटर वाले हैं, जो सेंटर वाले होंगे जो रिजर्वेशन टिकट काटेंगे, उन्हें पर टिकट 30 रुपये का कमीशन दिया जाएगा। सरकार ने बोला है कि पर टिकट उन्हें 30 रुपये का कमीशन मिलेगा, चाहे वो रिजर्वेशन टिकट काट रहे हैं, वेटिंग टिकट काट रहे हैं, स्लीपर टिकट काट रहे हैं या फिर ऐसे टिकट काट रहे हैं, कोई भी टिकट काट रहे हैं, हर टिकट पर 30 रुपये का कमीशन उन्हें दिया जाएगा। मतलब पूरे दिन में अगर 50 टिकट भी आप काट लेते हैं तो 1500 रुपये का रोजाना आपकी इनकम हो सकती है। मैं उनके लिए बता रहा हूं जो लोग सेंटर लेना चाह रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो यात्री है, ज्यादातर तो यात्री की बात मैं करूंगा, जो हर जगह से लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद कहीं भी कमाने जाते हैं, उन लोगों के लिए टिकट का बहुत दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होता है, तो उन लोगों के लिए सुविधा हो जाएगा कि अपने बाजार के पास ही, अपने गांव के पास ही, अपने शहरों में ही कहीं भी टिकट मिल जाएगा, इसके लिए उन्हें स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि ऑनलाइन भी मिल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑनलाइन मिलता है लेकिन ऑनलाइन में बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन इस काउंटर से टिकट लेते हैं तो अगर कंफर्म ना भी होता है तो आप वेटिंग ले सकते हैं और उस वेटिंग पर आराम से यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधा है जो बहुत लोगों को मालूम भी है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। जैसे कि किसी ने टिकट ले लिया, जैसे आपने टिकट ले लिया रिजर्वेशन, स्लीपर क्लास का, एसी क्लास का, कोई भी रिजर्वेशन टिकट ले लिया और आप किसी कारणवश यात्रा नहीं कर पाए या ट्रेन छूट गया, आप टिकट कैंसिल नहीं करा पाए, तो पहले होता क्या था कि
टीटी जो है टीटी उस सीट को किसी यात्री से बेच लेता था, किसी दूसरे यात्री को वो फिर से रिजर्वेशन कर देता था, अलॉट कर देता था, जिसे अलॉटमेंट कहते हैं, और उस पर वह यात्रा करता था, दोबारा पैसा रेलवे ले लेता था टीटी के द्वारा। लेकिन उस सिस्टम को अब रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। मतलब कि कोई व्यक्ति टिकट ले लेता है, किसी कारणवश उसका ट्रेन छूट जाता है या फिर यात्रा नहीं कर पाता है, टिकट कैंसिल नहीं होता है उसका, तो होता क्या है कि वो सीट बिल्कुल खाली जाएगा, उस सीट को टीटी नहीं बेच सकता है। कोई भी यात्री को वो सीट मिल जाता है, अगर कोई यात्री बैठा हुआ है, चाहे वो बेटिंग वाला है या फिर एक्स्ट्रा कहीं से आकर बैठ गया हुआ है चलान कटाकर, वो उस सीट को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो व्यक्ति नहीं आ जाए जिसका कि वो सीट है, जिसका वो सीट अलॉट है। अगर वो व्यक्ति नहीं आता है तो उस सीट पर वो यात्रा कर सकता है, चाहे चलान कटाकर यात्रा कर सकता है या फिर बेटिंग टिकट लेकर यात्रा कर सकता है। उस सीट को अब टीटी किसी को अलॉट नहीं कर सकता है। ये नियम जान लीजिए, आप यात्रा करते हैं, जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जानकारी नहीं तो जान लीजिए, अब टीटी से इस मैटर पर आप उलझ सकते हैं, उसको यह नियम बता सकते हैं, क्योंकि उसको भी मालूम है सारा चीज। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जानते हैं कि यात्री को जानकारी नहीं है, वो बरगलाते रहते हैं और उनसे पैसा ऐंठ लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो लोग सेंटर लेंगे उसमें सेकेंड लेवल पार्सल बुकिंग की भी सुविधा दी जाएगी। मतलब कि अब कोई भी सेंटर चलाएगा, जिसको लाइसेंस मिलेगा सेंटर चलाने के लिए, वो व्यक्ति अब पार्सल भी कर सकेगा। जैसे आप कहीं गाड़ी बुक करते हैं, कहीं कोई सामान भेजते हैं, आप अदर स्टेट में देखते होंगे रेलवे में जो पार्सल भेजा जाता है, किसी भी प्रकार का आपका सामान हो, टीवी हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, कोई कपड़ा हो, कोई बड़ा सामान हो, कोई छोटा सामान हो, जो पार्सल किया जाता है, वहाँ पार्सल की भी सुविधा दी जाएगी। मतलब कि आपको रेलवे स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, तो ये लाइसेंस मिलेगा जो रेलवे के शर्तों को पूरा करेगा, क्योंकि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ सेंटर वाले जनरल टिकट ही निकालते थे, जिस पर उन्हें 10 रुपया कमीशन मिलता था, और अब रिजर्वेशन पर 30 रुपया कमीशन कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये रेलवे का एक अपडेट था छोटा सा, जो मैं आपको बता दिया हूँ। इसके अलावा आपको बता दूँ, कुछ और अपडेट है, जान लीजिए, बहुत लोग जान भी रहे हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है। जो रेलवे में आप यात्रा करते हैं रेलवे में, और आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग 8 बजे 7 बजे 9 बजे ही सीट को उठा लेते हैं, मतलब जो गिरा हुआ सीट रहता है आप देखते होंगे स्लीपर में, जो 3 पार्ट का सीट रहता है तो बीच का सीट उठा लेते हैं, और लोगों को बैठने में परेशानी होती है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप 10 बजे से पहले रात 10 बजे से पहले कोई भी अगर सीट उठाता है और आपको बैठने में परेशानी होती है तो आप उन्हें मना कर सकते हैं, क्योंकि नियम के अनुसार, रूल के अनुसार 10 बजे से पहले कोई भी बंदा सीट नहीं उठा सकता है, सीट उठाकर नहीं सो सकता है। अगर हाँ आपकी आपसी सहमति है, आप तीनों की आपसी सहमति है, तो फिर सीट उठा सकते हैं, तीनों आराम से सो सकते हैं अपने अपने सीटों पर। लेकिन आपका नीचे वाला सीट है और आपको लगता है कि अभी मैं सोऊंगा नहीं, मुझे बैठना है, तो आप सीट उठाने से मना कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नियम आ गए हैं कि 10 बजे के बाद कोई भी 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति ग्रुप में अगर यात्रा कर रहा है तो उसको हल्ला चिल्ला नहीं करना है, जोर जोर से बात नहीं करना है ताकि अगले को डिस्टर्ब हो, म्यूजिक तेज आवाज में नहीं बजाना है, उसको लीड लगा के सुनना है या फिर हेडफोन लगा के सुनना है, तेज आवाज में ऑडियो वीडियो कुछ भी नहीं बजाना है या फिर तेज आवाज में फोन पर बात नहीं करना है। ये नियम रेलवे के स्टाफ पर भी लागू होता है। आप देखते होंगे कि अब रात 10 बजे के बाद कोई टीटी आपका टिकट चेक करने के लिए नहीं आएगा, रात 10 बजे के बाद कोई टीटी आपको टिकट चेक करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि ये रेलवे का प्रावधान हो गया है, नियम हो गया है। यहां तक कि कैंटीन में जो सामान बेचने वाले आते हैं वो भी रात को 10 बजे के बाद आपके पास नहीं आएगा, या फिर डब्बे में ऊंची आवाज से कोई भी सामान नहीं बेच सकता है।